ओम सूर्य देवता है नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे आपको आयुर्वेदिक पौधों की पहचान करवाता हूँ, साथ में उनके आयुर्वेदिक गुण के बारे में भी आपको बतलाता हूँ। पर दोस्तों आज मैं आपके सामने कोई आयुर्वेदिक पौधा लेकर के नहीं आया हूँ, बल्कि आपके सामने एक बहुत ही अच्छा एक घरेलू नुस्खा लेकर के आया हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कमेंट के माध्यम से ये पूछा था कि सर हमारे हाथों से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो दोस्तों ऐसा कोई हमें घरेलू नुस्खा बताइए जिसके माध्यम से हमारे जो हाथों के जो पसीना वो आना बंद हो जाए। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों में यह भी समस्या रहती है कि उनके हाथों से पसीना तो आता है, साथ में उनके हाथ जो होते हैं वो खुरदुरे हो जाते हैं। खुरदुरे मतलब अजीब टाइप की चमड़ी चमड़ी जैसे उनके हाथों से निकलने लग जाती है। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे जिसके माध्यम से आपके हाथों से पसीना आना तो बंद होगा, साथ में आपके जो हाथों से जो चमड़ी निकलती है वो निकलना भी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के ऑन कर दीजिए। साइड में जो घंटे का बटन दिख रहा है इसको भी दबा करके आप ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे और आप इन वीडियो को जल्दी देख पाएंगे, सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें यह घरेलू नुस्खा आखिर में बनाना कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको घर से अपने एक इस प्रकार का जो है एक बर्तन लेना है आपको, और एक गिलास आपको शुद्ध पानी लेना है, शुद्ध पानी लेना, और उसके बाद एक नींबू लेना है। नींबू की आप आधी मात्रा नींबू की ले सकते हैं, दोस्तों विटामिन सी से भरपूर होता है नींबू। और दोस्तों हमको लेना है घर से ये खाने का सोडा, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये खाने का सोडा हमको घर से लेना है। खाने का सोडा जो होता है दोस्तों, काफ़ी सारे लोग जो है खाने पीने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, भजी वजी वगैरह में भी डालते हैं। यह जो होता है दोस्तों हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है खाने का सोडा। तो दोस्तों हमको ये सोल्यूशन बनाना कैसे है जिससे हमारे हाथ जो है वो पसीना आना बंद हो जाए, और जो खुरदुरे हैं खुरदुरापन भी हमारे हाथों से ख़त्म हो जाए। दोस्तों क्या होता है कि हम अपने हाथों से ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिसके माध्यम से हमारे हाथों में बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और काफ़ी सारे लोगों में तो ये भी समस्या रहती है कि उनका जो हाथ रहता है वो काफ़ी हमेशा गर्म गर्म सा ही दिखता है, जब भी आप छुएंगे उनका हाथ गर्म रहता है, यानी कि उनके हाथों की गर्मी बढ़ जाती है। तो दोस्तों हमको बनाना कैसे है, सोल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या करना है कि एक चम्मच की मात्रा में हमको खाने का सोडा लेना है। ये खाने का सोडा जो है दोस्तों इतनी मात्रा में आप खाने का सोडा ले लीजिए, और खाने का सोडा जो है आपको इसमें आपको खाने का सोडा डालना है। खाने का सोडा डालने के बाद दोस्तों इसमें जो है आपको एक गिलास पानी डाल देना है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें हमने एक गिलास इसमें पानी डाल दिया। खाने का सोडा डालने के बाद थोड़ा सा और देख लीजिए आप, खाने का सोडा जो है आपको इस मात्रा में खाने का सोडा डालना है, और खाने का सोडा डालने के बाद आपको जो इसको अच्छी तरीके से ऐसे चलाना है। जब अच्छी तरीके से घुल जाएगा तो उसमें दोस्तों आपको खाने का सोडा, आपने देख लिया खाने का सोडा मिलाना हमको, और उसके बाद जो है दोस्तों इसमें हमको जो है बूंद बूंद करके इसमें हमको नींबू का रस डालना है। ज़्यादा नींबू का रस हमें इस्तेमाल नहीं करना है, ये नींबू का रस इसमें थोड़ी सी मात्रा में डाल दी है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद जब ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, तो मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको इसमें जब ये मिक्स हो जाएगा दोस्तों, तो अपने हाथों को जो है इसमें आपको इस प्रकार करना है, ये आपको अपने हाथों को इस प्रकार करना है हर थोड़ी देर, कम से कम ये प्रक्रिया आपको जो दोस्तों 10 से 15 मिनट करना। आप इसमें हाथ जो इस प्रकार से डुबो करके रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ये आप इस प्रकार डुबो करके रखिए। इस प्रकार से आपको डुबो डुबो करके इसमें हाथ में रखना, कम से कम 10 से 15 ये मिनट तक के लिए आप कर सकते हैं दोस्तों। इससे जो होगा दोस्तों आपकी त्वचा जो है, जिनकी त्वचा में ये गिठले गिठले जैसे पड़ जाते हैं, उन गिठले को भी ठीक करेगी, और जिनके हाथों से त्वचा से जो स्किन निकलती है, जो खुरदुरी खुरदुरी से स्किन निकलती है, वो भी निकलनी बंद हो जाएगी, और आपका हाथ जो है इतना सॉफ्ट हो जाता है दोस्तों। ये देखिए आप कितना बहुत ही सॉफ्ट आपका हाथ हो जाएगा, और पसीना निकलने की समस्या भी इससे ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों इसमें आपको जो है इसमें कम से कम 10 मिनट तक के अपने हाथों को डुबो करके रखना है, और अपने हाथों को हल्के हल्के आपको मॉइस्चराइज कर, इस प्रकार से आप मॉइस्चराइज करेंगे अपने हाथों से जो है दोस्तों मैल निकल जाएगा, किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके हाथों पर नहीं होगा, और ना ही घाव होगा आपके हाथों पर। यह आपके हाथों को स्मूथ बनाएगा, एकदम सॉफ्ट बनाएगा, ये देखिए आपके हाथों को एकदम सॉफ्ट बनाएगा, और हाथों की गर्मी को भी शांत करेगा, जिससे आपके हाथों से पसीना आना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ लेना है एक बार और देख लीजिए आप। आपको जो है नींबू लेना है, खाने का सोडा लेना है एक चम्मच, खाने का सोडा लेना है एक गिलास, आपको शुद्ध पानी लेना है, इन सबको आपको मिक्स कर लेना है, और अपने हाथों को इस पर डुबो करके 10 से 15 मिनट तक के रखना, आपके हाथों से पसीना आना बंद हो जाएगा,
और आपके हाथों से जो काचरी जैसे छूटती है, जैसे जिन लोगों की खुरदुरे खुरदुरे से हो जाते, चमड़ी निकलती, काफ़ी दर्द होता, तो वह भी इनमें नहीं होगा। और आप यह प्रक्रिया कर सकते हैं, एकदम सेफ है और सरल है, आसान से आपको घर पर दो चीज़ें जो है आपको आसानी से आपके घर पर मिल जाएंगी। आप करिए दोस्तों, आपके हाथों से पसीना आना टोटल बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरे को भी शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ ले सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा करके सब्सक्राइब हो जाइए, साइड में जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे और भी नए आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और नए आयुर्वेदिक पौधे और उसके उपचार के साथ में। तब तक इजाजत दीजिए, हर हर महादेव।